हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईसीएआर असिस्टेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सेक्शन वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन कौन से बुक्स हैं जहां से आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, और प्रैक्टिस कहां से करनी है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न SSC के जैसा रहने वाला है। SSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जैसा रहेगा, SSC CGL के जैसा। और प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की टेस्ट देनी होगी, इजी लेवल रहेगा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा, और मेंस में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आपको देना होगा। इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मेंस में। तो मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्वांट एंड इंग्लिश से ही क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि केवल मैथ्स एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछेंगे। और डिस्क्रिप्टिव में एसे राइटिंग, प्रेसाई राइटिंग, देन लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब रहेंगे। यानी कि जो SSC की सिलेबस जैसे आपको देखने को मिलती है, SSC का जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है वैसा ही रहेगा। सिलेबस की बात करें तो यहाँ आप सिलेबस भी देख सकते हो, SSC का जैसा सिलेबस रहता है एग्जैक्टली उसी टाइप का सिलेबस है। तो खास करके वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, SSC CGL के लिए या फिर SSC CHSL के लिए, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, पिछले ईयर्स के, पिछले कुछ साल के जो ICAR के क्वेश्चंस होंगे और SSC CHSL एंड SSC CGL के जो क्वेश्चंस हैं, पिछले 3 साल के क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और बाकी आप जहां से प्रैक्टिस कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसे आपको कंटिन्यू रखना है। बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी तक बैंकिंग एग्जाम्स पे फोकस करके प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, टॉपिक वाइज या सेक्शन वाइज आपको तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। अगर आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते हो, प्रीलिम्स क्लियर भी कर लेते हो और मेंस क्लियर नहीं कर पाते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आपको तैयारी दोनों की एक साथ करनी है। और अगर आप देखोगे ना, तो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट है, मेंस में भी वही सब्जेक्ट है। तो प्रीलिम्स की जब आप तैयारी करोगे, प्री की तैयारी करोगे, उसी समय आपको उन टॉपिक्स को थोड़ा और डिटेल में कर लेना है। जैसे अगर आप देखोगे मैथ्स एंड इंग्लिश, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही पूछे जाएंगे, तो बस मेन मैथ्स एंड इंग्लिश को आपको थोड़ा और डीप वे में अच्छे से कवर कर लेना है। चलिए एक एक करके सेक्शन वाइज बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में यहां आप सिलेबस देख सकते हो, वर्बल रीजनिंग एज वेल एज नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही पूछी जाएगी। तो वर्बल रीजनिंग तो अगर आपने किया हुआ है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिगरल सीरीज हो गई, इसके लिए आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके फिगरल सीरीज सर्च करो, और एग्जाम पूर वाईफाई स्टडी या फिर SSC अड्डा 247 की वीडियोस आप देख सकते हो। किसी की भी एक वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और प्रीलिम्स में काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन भी रहेंगे ना, ये काफ़ी इजी लेवल का रहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, वेरी इजी टू इजी लेवल के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस पहले आप पढ़ लो, और जो टॉपिक्स हैं, जो जो टॉपिक्स आपको इसमें से नहीं आती है या जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, डायरेक्टली आप उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करो और उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो देख लो। ऐसा नहीं करना है कि आप 3-4 वीडियो एक ही टॉपिक के देख लो, कोई एक वीडियो देख लो और उसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ICAR, SSC CGL एंड SSC CHSL के। लास्ट 3 ईयर्स के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो, ये इनफ रहेगा इस रीजनिंग के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये इनफ है। इससे ज़्यादा आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। और बाकी क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, ये सब क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, बस आपको वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। अगर बात करें GA सेक्शन की, तो GA सेक्शन में करंट अफेयर्स एंड GK दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। GK के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, लूसेंट GK इनफ है, लूसेंट GK ही आपको रिवाइज करनी है। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो आपको अच्छे से करना है। खास करके अगर आपने SIC UDC या फिर SIC MTS की प्रिपरेशन की हुई है, तो GA सेक्शन आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और मंथली PDFs पढ़ रहे हो, या जैसे अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDFs वगैरह से अगर आप कवर कर रहे हो, तो उसे ही आपको रिवाइज करना है। और अगर आप अभी तक अफेयर्स क्लाउड की मंथली PDFs वगैरह नहीं पढ़े, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज की रहती है, तो कैसे पढ़ना है उससे, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई, सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा पेजेस कवर कर सको, तो वो आप देख लेना।
इसके अलावा अगर आपको 200 पेजेस या 300 पेजेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ओली बोर्ड की जो बोल्ट पीडीएफ आती है, मंथली पीडीएफ रहती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत कम पेजेस में पूरा डेटा एक ही जगह कंपाइल किया हुआ है मंथ वाइज, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी आपको जो फ्री जो पीडीएफ्स वगैरह है जो आपको कहीं नहीं मिल पाती है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। और अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, वो मैं अवेलेबल करा दूंगा। और देखिए, जीए सेक्शन में भी करेंट अफेयर्स एंड जीके में कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करके जाने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स ऐसा सेक्शन है जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में पूछा जाएगा, तो इसे आपको डीपली अच्छे से स्टडी करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, देखिए अरिथमेटिक में आपने ये सब जो बेसिक टॉपिक्स रहते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, देन इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, ये सब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो अमर सर की यूट्यूब चैनल पर जाके आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद बचा जो मेंसुरेशन वगैरह टॉपिक हो गया या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप यहाँ सिलेबस में देख सकते हो, तो इन सब टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इसके लिए आप यूट्यूब में वाईफाई स्टडी या फिर एग्जामपुर की वीडियोस देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, वहाँ से आप डायरेक्टली उस टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब पे एंड वीडियोस देख लो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप एक बार समझ लो, फॉर्मूले वगैरह कुछ है तो वो आप एक जगह लिख लो, और उसके बाद उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करना है, अगेन मैंने आपको बताया SSC CHSL SSC CGL एंड ICAR के जो एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस 3 ईयर्स में, उसके क्वेश्चंस आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैंने आपको हमेशा बताया है एक बुक ऑब्जेक्टिव के लिए, नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है। यानी कि बैंकिंग एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है, तो इसे आपको अच्छे से करना है। और अगर आपने ऑलरेडी इसे किया हुआ है तो इसे एक दो बार आप रिवाइज कर लो, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वहां से आप कर लो, या फिर अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ली हुई तो वो आप करो, और खास करके जो सेक्शन वाइज टेस्ट रहते हैं वो आप जरूर दो इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कुछ नहीं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें, आपको पता है यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा, तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एसे एंड लेटर राइटिंग के रिगार्डिंग डिटेल बनाई हुई है, डिटेल में बताया हुआ है कैसे आपको लिखना है, क्या लिखने का प्रोसेस रहता है, तो वो वीडियो, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। बाकी जो टॉपिक्स है जैसे प्रेसाई राइटिंग हुआ या एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह हुआ, तो उसके रिगार्डिंग यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आप वीडियोस देख सकते हो। एग्जामपुर, वाईफाई स्टडी, किसी भी एक चैनल को आप फॉलो करो और उनके वीडियोज आप देख सकते हो। देखिए ICAR असिस्टेंट के पोस्ट में ना टोटल 462 वैकेंसीज निकली हुई है। लेवल 6 एंड लेवल 7 का पे स्केल आपको मिलेगा, सैलरी बहुत अच्छी है, खास करके अगर आपकी पोस्टिंग ICAR के हेडक्वार्टर्स में मिल जाती है तो हो जाती है ना, तो लाइफ टाइम आपकी जॉब दिल्ली में रहेगी, दिल्ली में ICAR के हेडक्वार्टर्स, तो बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट मंथ से सैलरी कितनी रहेगी, तो उस वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लेना। बाकी ICAR से रिलेटेड या फिर किसी और नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।